إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. <applause> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسم وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي وهم في الاخره عذاب عظيم سوره بقره كي ايت نمبر 114 اسم الله رب العزت उन लोगों का जुल्म बयान कर रहे हैं जो लोगों को अल्लाह के घरों में मस्जिदों में आने से रोकते हैं इस ऐस से पहले आयत नंबर 113 में अल्लाह ने बयान किया कि यहूदी कहते हैं कि ईसाई किसी चीज़ पे नहीं है यानी कि उनका दीन काबिल एतबार और नहीं है और यहीं कुछ ईसाई यहूदियों के बारे में कहते हैं कि उनका दीन कबूल नहीं है तो दोनों एक दूसरे को ग़लत कहते हैं और दोनों में से हर कोई अपने आप को बरहक कहता है और ऐसे ही अल्लाह ने बयान किया था कि दीगर लोगों का भी यही हाल है कदा क़ादी अल आलमअल्लिम दीगर लोग भी यही रवैया अपनाए हुए हैं अपने आप को बरह करार देना और दूसरों को बादल करार देना अल्लाह तला फरमाते हैं एक बात तय है कि अल्लाह की मस्जिदों में लोगों को आने से रोकना ये सब के नज़ीक है बल्कि ऐसा जुल्म है कि इससे बढ़कर कोई जुल्म नहीं है अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त शात्रे हैं वमन अगलम आम अल्लाह और उससे बढ़कर कर जुल्म करने वाला कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके कि उन उसका नाम लिया जाए वसाफी खराबी हा और जो उन्हें वीरान करने की कोशिश करे यही वो लोग हैं कि उनका हक नहीं बनता कि वो इन मस्जिदों में दाखिल हों मगर डरते हुए ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रसवाई है और उनके लिए आखरत में बड़ा आज़ाब है अल्लाह रबुल्ज़त ने इस ऐत में जो अहकाम बयान किए उनका उर्दू में तर्जमा मैंने पेश किया अब इस ऐत के अलफाज और मुफरदात की तरफ आते हैं मन ये इस्तेफाम के लिए आया है कौन लेकिन वो इस्तेफाम जिससे मकसूद नफ़ी है यानी कि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उससे बड़ा जालम कौन होगा जो अल्लाह की मशदों में आने से रोके तो मुराद ये है कि इससे बड़ा कोई ालम नहीं है अल्लाह इज़्ज़त ने नफ़ी को वाजे करने के लिए इस्तेफाम का अंदाज़ इख्तियार किया है यानी कि आयत में ये नहीं कहा गया कि जो अल्लाह की मस्जिद में किसी को आने से रोके उससे बड़ा कुछ ालम नहीं है बल्कि कहा गया उससे बड़ा ालम कौन होगा यानी कि साबित करके दिखाओ कि क्या इससे बड़ा कुछ ालम तुम्हें मिलेगा तो इसमें ज़्यादा ताक़द है वमन ़लम ़लम जो लफ्ज़ है ये इसमें तफ़ील है इसमें तफजील वो होता है जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे फजीलत दी जा रही होती है फोकियत दी जा रही होती है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उससे बड़ा ज़ालम कौन है जो अल्लाह की मशतों में आने से रोके यानी कि एक ज़ालम बहुत से लोग हैं लेकिन इससे बड़ा ालम कोई नहीं है मम मिन हरफ जार है मन इसम मसूल है यानी कि मिनल लदी उससे बड़ा जालम कौन होगा माना आ जो रोके मना करे मसाजिद अल्लाह मसाजिद मस्जिद की जमा है वो जगह जो नमाज पढ़ने के लिए मखसूस हो उसे मस्जिद कहते हैं तो मसाजिद अल्लाह जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके और यहाँ पे कहा गया अल्लाह की मस्जिदों से यानी कहा गया मस्जिद से तो मसाजद को मुजाफ किया गया है मंसूब किया गया है उनकी नस्बत की गई है किस तरफ़ अल्लाह रबुल्ज़त की तरफ़ रबु तरफ. ये मसाजद का शरफ बयान करने के लिए उनका मकाम व मरतबा वादे करने के लिए कि ये मसाजद जो हैं ये को आम कमरे नहीं है को आम मकान नहीं है बल्कि ये वो मकाम हैं जो अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस हैं तो इनकी शान और इनका मुकाम व मरतबा समझना चाहिए रफी हसम हो उससे बड़ा ज़ालम कौन होगा जो अल्लाह की मशदों से रोके अल्लाह की मशतों से रोके इसका मतलब क्या है बदला आगे आगे कि रफी हसम हो कि इन मश्दों में अल्लाह का नाम लेने से रोके वो नहीं चाहता कि इन मशदों में अल्लाह के नाम का जिक्र हो यहां पर नमाजें पढ़ी जाएं यहां पर तलावत की जाए और यहां पर लोग जमा हों तोहीद का तोहीद की दावत देने के लिए शर्क से रोकने के लिए व साफ़ ही खराबिया जिसको सबसे बड़ा जालम करा दिया जा रहा है उसके दो वसफ़ हैं नंबर एक वो अल्लाह की मस्जिदों में आने से लोगों को रोकता है नंबर दो अल्लाह की मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करता है और अल्लाह की मशतों को वीरान करना दो तरह से हो सकता है हिस्सी तौर पे मानवी तौर पे हिस्सी तौर पे अल्लाह की मस्जिदों को वीरान करना और ख़राब करना कैसे होगा कि आप मस्जिद की दीवार गिराएं मस्जिद के पंखे गिराएं मस्जिद के कालीन को आप मस्जिद से बाहर निकाल दें मस्जिद में आप चोरी करें मस्जिद को तबाह बर्बाद करें और मानवी तौर तो पे मस्जिद को वीरान करना कैसे होगा कि आप मस्जिद में बिदात को फ़रोग दें शर्क को फ़रोग दें तबीरा गुनाहों को फरोक दें लोगों को गुनाह की तरफ बुलाएं तो ये दोनों काम गलत हैं सा जो कोशिश करे फी खराब यहाँ इनको खराब करने में इनको वीरान करने में किन को मसाजद को उलाए का इसमें इशारा है बीद के लिए दूर के लिए कि ये वो लोग हैं यानी कि जो आज लोगों को मस्जिद में आने से रोक रहे हैं और मशतों को विरान करने की कोशिश कर रहे हैं मशतों के मुतवली और जिम्मेदार बने हुए हैं मशतों के मुंतजम बने हुए हैं ये तो वो है कि इनका मस्जिदों में दाखिला बंद होना चाहिए ये कभी मस्जिद में आए भी तो डरते हुए आए इनको पता हो कि अगर हमने मस्जिद में कोई शरारत की तो हमारी बात पुरुष होगी हमारा हिसाब किताब होगा हमें सजा मिलेगी लेकिन आज ये क्या बने हुए मुतवली बने हुए हैं ये मुसलमानों को बेगुनाह मुसलमानों को बैतुल्लाह में आने से रोकते हैं पहले इन्होंने मुसलमानों को मक्का से निकाला निकलने पे मजबूर किया और जब मुसलमान हज उमरे के लिए आना चाहते हैं कि इन्होंने तो इन्होंने मुसलमानों का दाखिला बंद कर रखा है मुतवली बने हुए हैं जबकि इनकी हरकतें ऐसी हैं और इनके काम ऐसे हैं कि इन जैसे लोगों को मस्जिद में दाखिल होने से रोकना चाहिए कभी दाखिल हों भी तो डरते हुए दाखिल हों उनको पता हो कि गलत काम किया तो हमें सजा मिलेगी तो उलाए के ये वो लोग हैं मां का नहीं है इनके लिए इनके इनका हक नहीं बनता किनका ये मस्जिद से रोकने वालों का मस्जिदों को वीरान करने वालों का हक नहीं बनता क्या हक नहीं बनता कि जो खलू कि ये इन मशतों में दाखिल हों मगर खाइफिन डरते हुए खौफजदा होकर लहुम इन्हीं के लिए है किन के लिए जो अल्लाह की मशतों में लोगों को आने से रोकते हैं जो मशतों को वीरान करने की कोशिश करते हैं इन इन्हीं के लिए है दुनिया में खिजय रसवाई जिल्लत व लहुम और इन्हीं के लिए है फिल आखरत आखरत में अजाबीम अजाब अजीम बहुत बड़ा अजाब तो ये अल्लाह इज़्ज़त का फ़रमान इसकी मुनासबत क्या है कि मक्का वाले मुसलमानों को बैतूल्ला में दाखिल होने से रोकते थे और यही कुछ बैतलमस में किया था ईसाइयों ने यहूदियों के साथ तो अल्लाह की मस्जिदें इबादत खाने हैं इन में किसी को इबादत से रोकना ये ग़लत है तो अल्लाह इज़्ज़त बयान कर रहे हैं कि इससे बढ़कर कोई जुल्म नहीं है और ालम उसको करार दिया गया है जो अल्लाह की मस्जिद से लोगों को रोके यानि कि वो नहीं चाहता कि इन मस्जिदों में अल्लाह का ज़िक्र हो इन में नमाजें पढ़ी जाएं इनमें तलावत की जाए इन में अल्लाह का ज़िक्र किया जाए इन में खैर के काम किए जाएं, लेकिन मस्जिद में किसी को आने से रोकना अगर किसी मसलत की वजह से हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है मिसाल के तौर पर नमाज के बाद मस्जिद को बंद कर दिया जाता है इसलिए मस्जिद की कोई चीज चोरी ना हो मसाजद को बंद कर दिया जाता है इसलिए ताकि यहां पे वो लोग जो फासद किस्म के हैं बदमाश किस्म के हैं नशा करने वाले हैं वो यहां पे बैठ के अपनी महफिलें मुनद ना करें तो ऐसी सूरत हाल में रोकना ममनू नहीं होगा ऐसे ही मस्जिद को बंद कर दिया जाता है किस लिए मस्जिद की सफाई के लिए मस्जिद को बंद कर दिया था किस लिए मस्जिद की असलाह के लिए मस्जिद में मरम्मत वगैरह करने के लिए तो किसी मस्जिद की वजह से मस्जिद को बंद कर देना और लोगों को मस्जिद में आने से रोकना इसमें कोई हरज नहीं है जुल्म क्या है कि आप मस्जिद में आने से लोगों को इसलिए रोकते हैं कि आप नहीं चाहते कि इस मस्जिद में अल्लाह का जिक्र हो तोहद की दावत बुलंद हो यहाँ पे अल्लाह के कलाम की तफसीर बयान की जाए यहाँ पे बच्चे क़ुरान का हिफज़ करें इस काम के लिए रोकना जो है ये ममलूा है और ये म है इसको लम करार दिया गया है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उससे बढ़कर कर जालम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में आने से रोके कि इन में उसका जिक्र किया जाए अद करफी हसम हो इसको आप बदल बना लेंगे मसाजिदल्ला से या फिर आप कहें कि अंगुद करफी हसम हो यह मसर मुवल है और इससे पहले मीन मुक़दर है कि उससे बड़ा ालम कौन होगा जो अल्लाह की मशदों से रोकता है इस बात से रोकता है कि इन में में का जिक्र किया जाए हा और कोशिश करता है इनको वीरान करने में खलूहआ यही वो लोग हैं कि इनका हक नहीं बनता कि इन मशतों में दाखिल हों, मगर डरते हुए इस जुमले में सवाल पैदा होगा क्या कि क्या, क्या काफर मस्जिद में दाखिल हो सकता है जहाँ तक ताल्लुक़ है मशि हराम का तो वहां किसी काफर मुश्रक को दाखिल होने की इजाज़त अल्लाह तला फरमाते हैं इन नंबर मुशरकू ना नजासन फलाकुल मस्जिद अबाद आम हिम हादा मुशरक पलीद हैं इस साल के बाद मशत हराम के करीब भी ना आए तो पता चला मशत हराम में किसी काफर मुशक को दाखिल होने की इजाज़त नहीं।, नहीं।, नहीं है और यहां काफर मुशक से मुराद वह लोग हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा जिन्होंने कलमा पढ़ लिया और खुफिया तौर पर कुफर शिक्क का अरतिकाब करते हैं जाहिर है कि उन्हें रोकना मुश्किल है क्योंकि आप गैब नहीं जानते आपको उनके बारे में मालूम नहीं है जहां तक ताल्लुक मशत हराम के अलावा दीगर मसाजद का तो वहां पर अगर कोई काफ़र दाखिल होता है किसी मसलत की वजह से किसी हाजत की वजह से तो इसमें कोई हरज नहीं है मिसाल के तौर पर काफ़र इसलिए आ रहा है ताकि तबलीग सुने कुरान की तलावत सुने कुरुन की तफसीर सुने और मुसलमान भी चाहते हैं कि वो आएं वो सुने हो सकता है इस्लाम उनके दिलों में जगह बना ले या काफर इसलिए दाखिल हो रहा है मस्जिद में कि मस्जिद में पानी पीने का बंदोबस्त है वो चाहता है कि मैं भी पानी पी लू कोई हर्ज नहीं है और आप सब जानते हैं कि नबी अलीलातम ने बहुत से वफूद को जो आपसे मिलने के लिए आते थे और गैर मुस्लिम होते थे उन्हें मस्जिद में ठहरने की इजाज़त दी और सुमामा बिन उसाल जिनका ताल्लुक़ बनी हनीफा कबीले से था अभी मुसलमान नहीं हुए थे आपने उनको कहाँ बांधा था मस्जिद में बांधने का हुक्म दिया था और वो मस्जिद में रहे हती के मुसलमान हो गए तो कहने का मकसद यह है, किसी हादत की वजह से किसी मस्जिद की वजह से काफर मस्जिद में दाखिल हो सकता है इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर काफ़र मस्जिद में इसलिए दाखिल हो रहा है कि सैरों सियाहत करे तस्वीरें खींचे और उनकी औरतों का लिबास भी ऐसा है जो मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है तो ऐसी शक्ल में इंज़ामिया को चाहिए कि उनका मस्जिद में दाखिला बंद कर दें तो उमा कल अयद खलू अफीन ये वो लोग हैं कि इनका हक नहीं बनता कि मस्जिदों में दाखिल हों मगर कैसे लड़ते हुए ये जुमला इसमें कई अहतमालत हैं एक अहतमाल ये है कि खुशखबरी दी जा रही है एक अहतमाल क्या है खुशखबरी दी जा रही है पशीन गोई हो रही है कि ये लोग मशनों में आइंदा दाखिल नहीं हो सकेंगे मगर डरते हुए ये आज मुसलमानों को रोक रहे हैं बैतुल्ला में दाखिल होने से इनका अंजाम क्या होने वाला है कि ये आइंदा मशद हराम में दाखिल नहीं हो सकेंगे मगर डरते हुए और दूसरा इस्तेमाल इस जुमले में ये है कि ये खबर है लेकिन आर्डर के माना में है अल्लाह तला ख़बर दे रहे हैं कि यही वो लोग हैं इनके लिए नहीं है कि मशतों में दाखिल हो मगर डरते हुए मुराद हुक्म है क्या मुसलमानों तुमने तो इनका दाखिला बंद करना है इनको आइंदा दाखिल नहीं होने देना मशतों में मगर डरते हुए बदमाशी के तौर पर दाखिल नहीं हो सकते डरते हुए दाखिल हों और इनके मुसलमानों के सामने आज भी इख्तियार करते हुए दाखिल हों तो फिर कोई मसला नहीं है तो क़मा क़ान उला कमान खलू अआफिन नहीं है इनके लिए कि इन मशतों में दाखिल हों खफी मगर डरते हुए लहुम फि दुनिया खिजुम वलहम फ़िल आखत यादाबन अदीम यहाँ पर अल्लाह ने सज़ा बयान की है उन लोगों की जो अल्लाह की मशतों के दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि अल्लाह के ये घर आबाद हों जो नहीं चाहते कि इन घरों में अल्लाह के कलाम की तलावत हो जो नहीं चाहते कि इन घरों में अजाने दी जाएं और लोगों को इनमें आने से रोकते हैं इन मशतों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं वरान करने की कोशिश करते हैं अल्लाह ने कहा लहुम फिर दुनिया उनके लिए रसवाई है कहाँ दुनिया में भी पहले नंबर पर और उनके लिए आखिरत में भी अजाब अदीम है और आप देख लें अहल मक्का मुसलमानों को हदैबिया के साल में दाखिल होने से रोका उम्र नहीं करने दिया मुसलमानों ने बहुत मुजाकर किए और बहुत ज़्यादा उन्हें मुतमिन करने की कोशिश की कि हम तुमसे तो लड़ने के लिए नहीं आए हमारी कोई बुरी नीयत नहीं है सिर्फ तवाफ करना चाहते हैं उम्र करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने दाखिल नहीं होने दिया तो अल्लाह ने कहा इनके लिए दुनिया में भी रसवाई आखिरत में भी रसवाई और दो तीन सालों के अंदर ही दुनिया ने देखा मक्का मकलूब हुए मुसलमानों को फतह मिली और मक् किन के हाथों में आया मुसलमानों के हाथों में आया और अगर ये लोग तोबा नहीं करेंगे तो आखिरत में भी इनको अजाब अजीम मिलेगा अजाब अजीम सम है जहन्नम का अजाब उसके बाद अल्लाह तला, तला फरमाते हैंत नंबर एक सौ पंद्रह में वल्लाकम फ़ैनमु फसम इन आदिम और अल्लाह ही के लिए है मशरक व मगरब मशरको मग़रब किस का है अल्लाह का है फ़ई नमा तो जिधर भी तुम रुख करो जिधर भी तुम अपना चेहरा करो फसम उधर ही वही अल्लाह का चेहरा है इन आलिम बेशक अल्लाह ताला बहुत वसत वाला है बहुत ज़्यादा इलम वाला है वरमशरकम लाम इहतसाज के लिए है या मलकियत के लिए है कि मशरक व मग़रब का मालिक कौन है अल्लाह मशरक व मगरब का मालिक अल्लाह है मशरक का मालिक भी अल्लाह मगरब का मालिक भी अल्लाह मुराद क्या है हर जानब हर जीहत किसकी है अल्लाह अल्ला 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 की है पूरी कायत का मालिक कौन है अल्लाह है फीन मा आमा क्या होता है कहाँ जिधर भी फा अना यानी कि ये शर्तिया है यहाँ शर्त के तौर पे आया है और ज़्यादा है तोकीद के लिए तोवल्लु जिधर भी तोवल्लु तुम अपना रुख करो अपना मुंह करो फा क्या है इसमें इशारा बीद के लिए हुना का के माना में उधर ही वहीं पे वजहुल्ला क्या है अल्लाह का चेहरा है उधर ही अल्लाह का चेहरा है इन अलासिनिम बेशक अल्लाह अल्ला बहुत वसत वाला है बहुत इलम वाला है वलमशरकमरब मशरक मगरब का मालक कौन है अल्लाह मशरक किसको कहते हैं तलु होने की जगह मगरबरू होने की जगह यानी कि तुलु होने की जगह जो है उसका मालिक भी अल्लाह और गुरु होने की जगह उसका मालिक भी अल्लाह तलु होना किसका तलू होना सूरज का गरूब होना किसका तो आम तौर पे मशरक व मगरब से मुराद वो मकामा हैं जहां सूरज तलू होता है जहां से और जहां वो गरूब होता है वरना मशरक का इतलाक़ चांद के बारे में भी हो सकता है स्तारों के बारे में भी हो सकता है तो बरवल मशरक फात वल्लु फसम्ला फातवल्लु फसम वजुल्ला जिधर भी तुम अपना मुंह करो रुख करो उधर अल्लाह तला का चेहरा है इसके सबब नजूल में शान नजूल में दो रिवायत हमें मिलती हैं पहली रवायत जिसे इमाम तिरमदी और इबन माजा वगैरह रवायत करते हैं आमिर बिन रबिया रदी अल्लाह तू से कहते हैं कि हम नबी अलैहि वसल्लम के साथ थे अंधेरी रात थी नमाज पढ़ने लगे किबला तो मालूम करना मुश्किल हुआ किबला हम मालूम नहीं कर सके जिसका जिधर चेहरा था जिधर रुख था उसने उधर नमाज पढ़ी और निशानी लगा ली सुबह हुई तो नबी अलीलाम से इस मौजू पर बात हुई तो इस बारे में यह ऐत नाजर हुई फल्ला जिधर भी तुम अपना चेहरा करो अपना रुख करो उधर ही यह क्या है अल्लाह का चेहरा है और दूसरा शान यह है कि इमाम मुस्लिम रही रवैत करते हैं जनाब अब्दुल्ला जनाबुल्लामर रजी अल्लाह नुमा से नबी अली अलीसम जब मक्का से मदीना तशरीफ लाते सवारी पे होते तो रास्ते में नमाज पढ़ते रहते जिधर भी सवारी का रुख होता उधर आप नमाज पढ़ने लगते यानी कि सवाली का रुख बिला की तरफ होता या ना होता आप इस बात की परवाह नहीं।, नहीं करते थे और ये कौन सी नमाज है न, न, नफली नमाज फर्ज नमाज में ऐसा करने की इजाजत नहीं है तो ये दो सबब नजूल हुए पहले सब्व नजूल का तल्लक था फर्ज नमाज से और दूसरे सब्व नजूर शान नजूर का तल्लक क्या किससे नफल नमाज से तो पहले शान नजूर से इस बात का इलम हुआ कि फर्ज नमाज में आप कोशिश करें कि आपका चेहरा किबले की तरफ हो लेकिन अगर किसी वजह से किबले की तरफ मुंह करना मुमकन ना रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है फमा तल्लू फतमज्ला तुम जिधर भी मुंह कर लो उधर ही अल्लाह का चेहरा है अंधेरी रात है या कोई और ऐसा सबब है जिसकी वजह से किबले का सही रुख मालूम करना मुमकिन नहीं है तो आप नमाज कजा ना करें आपका दिल जिधर मानता है कि उधर किबला है उधर मुंह करके नमाज पढ़ लें लेकिन अगर किबला मालूम करना मुमकिन है लोगों से मालूम लेनी इस बारे में मुमकन है तो आप मालूम लें और अगर हतमी नतीजे तक पहुंचना मुश्किल हो जाए नमाज कजा हो रही है तो जिधर आपका दिल मानता है उधर आप मुंह करके नमाज पढ़ लें आपका दिल मानता है कि किबला इधर होगा आप इधर मुंह कर लें और जहां तक ताल्लुक है उस रवायत का कि आप मक्का से मदीना आते हुए सवारी पे नमाज पढ़ते रहते इस बात की परवाह नहीं करते थे कि आपका रुख किबला की तरफ है या नहीं इस रवायत से पता चला कि सवारी पे बैठे हुए नफल इंसान सवारी पे बैठे हुए इंसान नफली नमाज पढ़ना चाहता है पढ़े अगरचे उसका चेहरा किबले की तरफ ना हो आज भी गाड़ी में बस में ट्रेन में जहाज़ में मोटरसाइकिल पे बैठे हुए एक मोटरसाइकिल चला रहा है दूसरा पीछे बैठा है नफल नमाज पढ़ना चाहता है पढ़े चाहे किबले की तरह मुंह ना हो इसमें कोई मसला नहीं है कोई कबाहत नहीं है तो ये दो शान नजूल हैं तो क्या ये वाकई दो ऐसे उमूर हैं जिनकी वजह से ये ऐत हुई है जहाँ तक ताल्लुक है उस रवायत का जिसमें अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि आप मक्का से मदीना आ रहे होते थे सवारी पे होते नमाज पढ़ते रहते तो उसके बारे में कहते हैं कि इस बारे में ये ऐत नाज़ल हुई तो वहाँ पर अहतमाल है कि अब्दुल्ला बिन उमर ये बताना चाहते हों कि सफ़र के दौरान सवारी पर बैठ नफल नमाज पढ़ना चाहे आपका चेहरा किबरे की जानब ना हो ये दुरुस्त है इस ऐत के मुताबिक यानी कि ऐत इस बारे में नाजल नहीं हुई लेकिन इस ऐत के मान व मफह में यह चीज भी दाखिल है अगरचे शान नजूल नहीं है तो अब्दुल्ला अब उमर की रवायत शान नजूल होने का एहतमाल भी रखती है और शान नजूल ना होने का एहतमाल भी रखती है शान नजूल होने का मतलब क्या है कई लोग मेरा जुमला शायद समझ ना पाए उनकी उनके दोबारा वजाहत कर रहा हूं यानी कि एक अहतमाल यह है कि यह वाक हुआ कि नबीलाम ने इसे इस नमाज पढ़ी बाद में यह ऐतनाजिल हुई इस वजह से यह ऐतनाजुल हुई और दूसरा यह है कि ऐत पहले से मौजूद थी पहले से नाजुल हुई थी अब्दुल्लामर कहना चाहते हैं कि आपका यह अमल इस ऐत के आन मुताबक था इस ऐत का माना वसी है और इस ऐत के मफहम में ये मामला भी दाखिल है जो अल्लाह के रसूल ने किया मुझे उम्मीद है कि सूरती हाल वादे हो चुकी होगी और जो पहली रवायत है जिसे इमाम तिरमदी इबन माज अब्दुल आमर बिन रबिया से रवायत करते हैं कि रात अंधेरी थी किबला का रुख मालूम नहीं हो रहा था हम में से जिसका मुंह जिधर था उसने उधर नमाज पढ़ी और सुबह इस मौजू पर नबी आलाम से बात हुई तो इस बारे में यह ऐतनाजुल हुई तो ये रवायत इस मामले में वाजे है अगरचे इस रवायत के सही और जयीफ होने में इस्तेमाल है अलबत् शेख हलमानी रहा ने इसको हसन दर्जे की करार दिया है इस ऐद के मसाइल में से एक मसला ये है कि इस ऐत का पिछली ऐसे क्या ताल्लुक है इस ऐत की पिछली ऐसे मुनासबत क्या है पिछली आय में अल्ला ने वादे किया कि कई लोग दूसरे लोगों को मस्जिद में आने से रोकते हैं और मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करते हैं अल्लाह ने उनको क्या करार दिया जालम करार दिया इस ऐत में यह पैगाम दिया गया उन लोगों को जिन पर यह हो रहा था जिनको मस्जिदों में आने से रोका जा रहा था उनसे कहा गया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मजबूरी में आप अगर किसी मस्जिद में दाखिल नहीं हो पाते तो सारी जमीन अल्लाह तला की है आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं कहीं भी आप नमाज पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी नमाज देख रहे हैं और उसे कबूल करेंगे उसके बाद इस ऐद के मसाइल में से एक मसला यह है कि यहां पे कहा गया है कि जिधर भी तुम तो मुंह करो उधर ही क्या है अल्लाह का चेहरा है वजहुल्ल वज कहते हैं चेहरे को वजहुल्ला अल्लाह का चेहरा तो यहां पे वज से मुराद क्या अल्लाह का हकीकी चेहरा है या इसका माना कुछ और है ये एच उन आयत में से एक है जिसमें अल्लाह इज़्ज़त की किसी सिफत का तस्करा हुआ है लेकिन क्या वाकई ये सिफत है या सिफत नहीं है इस बारे में इख्तलाफ मौजूद है और ये इख्तलाफ उनके मां बहन भी मौजूद है जो अल्लाह की सिफात को मानते हैं अल्लाह के नामों को मानते हैं और उनमें तावील नहीं करते मिसाल के तौर पर इमाम मुजाहिद कौन है ताबे हैं जिनाब अब्दुल्बी अब्बास के बहुत बड़े शगिरद हैं इमाम मुजाहिद इमाम शाफी और बाद में आने वालों में से इमाम अबिन तैमिया उनकी राय यह है कि ये एक्ट उन आयात में से नहीं है जिन आयात में अल्लाह की सिफात का तस्करा होता है यहां वजुल्लाह से मुराद अल्लाह का चेहरा नहीं है यहां वजुल्लाह से मुराद अल्लाह की जीहत है अल्लाह की पैदा करदा जिहत अल्लाह की मखलूक जीहत जिनके अल्लाह तारा कह रहे हैं तुम जित्र भी मुंह करोगे उधर ही अल्लाह की जिहत है अल्लाह की जानब है तुम इधर मुंह करो ये अल्लाह की पैदा कर दानब है तुम इधर मुंह करो ये अल्लाह की पैदा करता जानब है तुम इधर मुंह करो ये अल्लाह की पैदा करता जानब है तुम्हें किबला मालूम नहीं हो पा रहा जिधर भी तुमने मुंह कर लिया वो अल्लाह ही की जिहत है समझो अल्लाह ने उधर ही मुंह करने का हुक्म दिया था नवाज के दौरान परेशान होने की जरूरत नहीं है तो इस कौल के मुताबिक वजुल्लाह का मना क्या हुआ जिहत पैदा करदा जिहद, अल्लाह की पैदा करदा, करदा जानब जी बिल्कुल सही लफ्ज़ बोला आपने तो यह हैल्ल वज़हुल्ला। तो इस कौल के कायलिन में से कौन कौन है इमाम हो इमाम शाफी और इमाम इबन तैमिया और दीगर भी कई अम्मा के नाम है इनकी राय यह है कि यह लफज जीहत के माना में इस्तेमाल होता है आप कहते हैं कसतहादल मैंने राजदा किया है इस जानब का यानी कि मैं इधर जा रहा हूं लफत क्या बोला आपने अलवज कसर तो हादल वज मैंने कसत किया मैंने राधा किया इस जानब का तो अलवज का मैंने क्या है जानब यहां पर इसके मुराद चेहरा नहीं है और इन का कहना है कि हम कोई तावील नहीं कर रहे क्योंकि वज के मानों में से एक माना क्या है जीहत है और दूसरा मौकफ यह है कि यहाँ वज्ला से मुराद चेहरा है और ये ये आयत अल्लाह की बयान करदा उन आयत में से एक है जिनमें अल्लाह की सिफात का तस्करा हुआ है तो यहाँ पे अल्लाह की सिफत बताई गई है अल्लाह का चेहरा जैसे कई आयत में बताया जाता है अल्लाह का हाथ कई आयत में अल्लाह तला के हाथ का तस्करा होता है ऐसे ही इस आयत में अल्लाह के चेहरे का तस्करा हुआ है तो फिर यह आयत कौन सी आयात में सोई सिफात वाली आयात में से हुई सी आयात में से हुई सिफात वाली आयात में से हुई उन आयात में से एक हुई जिनमें अल्लाह की सिफात का तस्करा होता है यह मौकफ किन का है यह मौकफ है इमाम अहमद बिन हम्बल का यह मौकफ है मुताखरीन में से इमाम इबन तैमिया के शगिर्द इमाम इबनम का यह मौकफ है इमाम इबन खुजैमा का जिनकी किताब तोहहीद है जिसमें उन्होंने अल्लाह के असमाओ सिफ़ात के मौजू पर गुफ्तगु की है तो यह कहते हैं कि वजुल्ला जब आप ये लफज इस्तेमाल करेंगे तो पहला माना जो आपके जेन में आएगा वो चेहरा आएगा इसलिए इस, इस लफज को इसके हकीकी माना पे मामूल करें वजुल्ला से मुराद क्या लें अल्लाह का चेहरा यही इसका जहरी माना है यही इस लफज का हकीीकी माना है वो कहते हैं हम मानते हैं कि वज का लफज जिहत के माने में भी इस्तेमाल होता है जानब के माने में भी इस्तेमाल होता है लेकिन जब वज की नस्बत अल्लाह इज़्ज़त की तरफ हो तो फिर इसका माना चेहरा ही होता है इस माना में कभी यह लफज इस्तेमाल नहीं हुआ कि वजहुल्ला अल्लाह की जिहत अल्लाह की जानब इमाम इबल क्यम ने इस मौधु पे बड़े तफसी बड़ी तफसील से गुफ्तगु की है वह कहते हैं कि आप देखें जिन रूसूस में वज का लफज आया और उसे अल्लाह की तरफ मनसूब की मनसूब किया गया अल्लाह की तरफ उसकी इजाफत की गई वहां पर हम सब ने इसका मना क्या किया अल्लाह का चेहरा हम सब से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह की आया अल्लाह की सिफात को मानते हैं बग़ैर किसी तावील और तातील और तारीफ के तो यहाँ पर भी यही मना करना चाहिए और फिर इसकी तइज में हदीस भी पेश करते हैं जो लोग कहते हैं वजुल्लह से मुराद अल्लाह का चेहरा है और इसी माना पे इसको मामूल करना चाहिए तावील से बचें वो अपने इस कौल की तइद में एक हदीस भी पेश करते हैं उस हदीस को इमाम त्रिमदी वगैरह रवायत करते हैं उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जनाब याहिया बिन जक्रियाँ वो कहते हैं कि नमाज पढ़ा करो और नमाज में तवज्जो अल्लाह की तरफ रखो दाए बाएं तवज्जो ना करो फल्लांसिबू वजहा मुसली अपनी तवज्जो नमाज में दाए बाएं ना होने दो आपकी तवज्जो आपके सामने रहे आपकी तवज्जो नमाज में रहे जब तक आपकी तवज्जो नमाज में रहती है आप दाए बाएं झांकने से गुरेज करते हैं तब तक अल्लाह ताला अपना चेहरा नमाजी के चेहरे के सामने रखते हैं और जब नमाजी दाएं बाएं देखता है इल्तफात करता है तब अल्लाह ताला अपना चेहरा हटा लेते हैं तो इस अदीज से क्या पता चला कि जब नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है सामने क्या होता है अल्लाह का चेहरा तो यहां भी यही है तुम जिधर भी अपना मुंह करो जिधर भी अपना रुख करो वही क्या है अल्लाह का चेहरा है और कुछ उलमाए कलाम का मौकाफ यह है कि आप दोनों कौल को एक साथ लेकर चलें कि तुम जिधर भी मुंह करो उधर अल्लाह का चेहरा है और वही अल्लाह की वो जिहत है जिस जिहत की तरफ अल्लाह ने दुलानी नमाज मुंह करने का हुक्म दिया है इनके बुनियादी तौर पर किबला क्या है मक्का बुनियादी तौर पर किबला क्या है बैतुल्ला मस्जिद हराम काबतुल्ला लेकिन अगर किसी वक्त किबला मालूम करना मुमकिन ना रहे किबला की तरफ मुँह करना मुमकिन ना रहे कोई उजर हो कोई मजबूरी हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं तुम जिधर भी मुँह करो उधर ही अल्लाह का चेहरा है तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही वही जेहत है जिस जेह जिस जेहत की जानब अल्लाह ने दुरानी नमाज मुंह करने का हुक्म दिया था हुक्म दिया है तो दोनों कॉल इसमें दाखिल हुए या नहीं हुए हो गए यहां पर मैं तस्करा करना चाहूंगा उन लोगों का भी जो अल्लाह की सिफात की तावीर करते हैं जिनकी कोशिश रहती है कि अल्लाह की सिफात को उनके हकीकी माना पे बाकी ना रहने दिया जाए उन्होंने यहां पर क्या किया उन्होंने ये कहा कि फसम वजहुल्ला यहां पे कहा गया है कि अल्लाह का चेहरा है मुराद अल्लाह का चेहरा नहीं मुराद अल्लाह की जात है इनके जिधर भी मुंह करो वहां पे क्या है अल्लाह की जात है अगर ये कहते कि तुम जितना भी मुंह करो उधर अल्लाह का चेहरा भी है अल्लाह की जात भी है तब इनका कौल ठीक था लेकिन ये अल्लाह के चेहरे की नफी करते हुए अल्लाह की जात का इस बात करना चाहते हैं ये गलत है और इनमें से कुछ किन में से कुछ तावील करने वालों में से कुछ कहते हैं कि वज लफज यहां पे जायद है फालतू है लगव है इसकी यहां पे जरूरत नहीं है असल में यूं कि तुम जिधर भी मुंह करो फसम अल्लाह तुम जिधर भी मुंह करो उधर क्या है कौन है अल्लाह है और हम कहते हैं कि कुरान करीब में कोई भी हरफ जायद नहीं है अल्लाह ने यह कलाम हम पे उतारा इस कलाम का एक एक लफज एक एक हरफ किसी माना के लिए आया है किसी मकसद के लिए आया है किसी हमत की वजह से आया है कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो जायद हो फूल हो लग हो तो बहरहाल खुलासा कलाम क्या है कि इस ऐत में अल्लाह की सिफत अलवज चेहरे का तस्करा हुआ है और हम इस पर ईमान लाते हैं अगरचे दूसरा कौल भी मुनासिब है ऐसा नहीं है कि हम उसे मुकम्मल तौर पर रद्द कर दें तो दोनों के ऊपर एक ही वक्त में अमल हो सकता है दोनों को एक ही वक्त में मुराद लिया जा सकता है फई नमा तवल्लू फसम वजुल्ला तुम जिधर भी मुंह करो फसम वहीं पे क्या है अल्लाह का चेहरा है इन अल्लाह अलीम बेशक अल्लाह ताला वसत वाला है अलीम बहुत इलम रखने वाला है हर चीज़ के बारे में इलम रखने वाला है तो ये आखिर में अल्लाह इज़्ज़त की अल्लाह इज़्ज़त के दो नामों का तस्करा हुआ एक अलवासे और एक अलिम अल्लाह तला वसत वाले हैं किस लिहाज से अपने इलम के लिहाज से अल्लाह के इलम बहुत वसी है अल्लाह तला वुसत वाले हैं किस लिहाज से कुदरत के लिहाज से अल्लाह तला वसत वाले हैं किस लिहाज से इहाते के लिहाज से अल्लाह ने पूरी कहनात का अतः कर रखा तुम जिधर भी मुंह करोगे उधर ही अल्लाह तला है अल्लाह वसत वाले हैं अल्लाह तला वुसत वाले हैं है. ka है. 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 सुनने के लिहाज से कोई ऐसी आवाज नहीं है जो अल्लाह के इलम से बाहर हो अल्लाह तला वसत वाले हैं किस लिहाज से देखने के लिहाज से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह की निगाह से बाहर हो तो अल्लाह तला वसत वाले भी हैं अली इलम रखने वाले हैं अल्लाह तला हर एक के बारे में जानते हैं जो किसी मजबूरी की वजह से किबले की तरफ मुंह नहीं कर पाता अल्लाह उसको जानते हैं जिसको मस्जिद में दाखिल होने की जात नहीं मिल रही इसलिए घर में नमाज पढ़ रहा है अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं किसी का जाया नहीं जाएगा उसके बाद आयत नंबर 116, अल्लाह ताला फरमाते हैं वकाल له बलुमाुकून और उन्होंने कहा किन्होंने कहा यहूद नसारा ने कहा और उनके साथ दीगर लोगों ने भी कहा क्या कहा कि वलदा अल्लाह ने औलाद पकड़ी है अल्लाह ने औलाद बनाई है इनके अल्लाह की औलाद है सुबह नहु अल्लाह की तरफ जवाब क्या आया कि वो पाक है वो इस चीज़ से पाक है बल्लहू माफ इस्सावाद की वलर्द बल्कि उसी के लिए है जो कुछ भी आसमान वमीन में है असमानजमी की हर चीज उसकी मलकियत है कुल्लू कानून सब के सब उसके फरमाबरदार बरदार हैं उसकी इताद करने वाले हैं वकालू उन्होंने कहा जमा का लफज है माजी का है अल्लाह इत्ख़द इतदा बनाई अल्लाह ने बनाई अल्लाह ने पकड़ी अल्लाह ने इख्तियार की वलदन औलाद वलद कहते हैं लड़के को भी और लड़की को भी दोनों के ऊपर वलद का लफत का इस्तेमाल और इतलाक होता है सुबह नहू वो इससे पाक है यानी कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है और ये भी एक ऐब है जिससे अल्लाह पाक है बल्कि का क्या बल्कि लहू उसी का है ये खबर मुकदम आई है जिससे हसर का माना पैदा हो गया उसी का है इनके कि किसी और का नहीं है जो आसमानों जमीन में है उसी की मलकियत है वो तनहा हर चीज का मालिक है उसके साथ इस मलकियत में कोई और शरीक नहीं है ये माना हमें कैसे मालूम हुआ खबर के पहले आने से लहू के पहले आने से कुल्लहू सब के सब उसके क्या है कानितून, कानितून, कान आनित की जमा है उसकी इतात करने वाले उसके लिए खुशु व खजु इख्तियार करने वाले हैं वकाल वोने कहा कि अल्लाह ने औलाद इख्तियार की अल्लाह ने औलाद पकड़ी है यहूदी कहते थे कौन अल्लाह के बेटे हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम और ईसाई कहते थे ईसा कौन है अल्लाह के बेटे हैं अहल मक्का कहते थे मक्का कहते थे मुशरकिन अल्लाह की बेटियां हैं तो तीनों ने अल्लाह इज़्ज़त की तरफ इस गलत चीज को मंसूब किया अल्लाह के बारे में दावा किया कि अल्लाह वालद है और ये अल्लाह की औलाद है अल्लाह ने कहा मैं इस ऐब से पाक हूं औलाद कमजोरी है आप देखते है नहीं है इंसानों को जिसके पास औलाद नहीं होती वो कैसे दुआएं कर रहा होता है और अगर उसके पास तोहिद की नियमत ना हो तो औलाद लेने के लिए शिर का इरतक भी कर, कर रहा होता है कभी इस कबर पे कभी उस दरबार पे कभी यहां सईदा कभी वहां सईदा कभी यहां पे चादर चढ़ा रहा है कभी उधर चादर चढ़ा रहा है कभी यहां पर बकरे का नजराना दे रहा है कभी वहां पर बकरे का नजराना दे रहा है कभी किसी कबर वाले के तरफ पैदल जा रहा है जूता पहने बगैर जा रहा है ये सारी हरकतें क्यों औलाद लेने के लिए कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास कभी इस हॉस्पिटल में कभी उस हॉस्पिटल में कभी इस हकीम के पास कभी उस हकीम के पास कभी इससे दुआ करवाना कभी उससे दुआ करवाना इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औलाद का इंसान किस कदर मोहताज है और अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं है इसीलिए हदीसे कुछ है जिसमें अल्लाह तलात फरमाते हैं कि आदम का बेटा मुझे बुरा बला कहता है वजाहत क्या हुई उसमें आदम के बेटे का अल्लाह को बुरा बला कहना कैसे है यह कहना कि अल्लाह की औलाद है अल्लाह रबुल इजत जिससे कुर्सी में कह रहे हैं कि मेरी तरफ किसी की नस्बत बतौरे बेटा करना बतौर औलाद करना यह मुझे बुरा बला कहना है यह मेरी तोहिन है यह मेरी गुस्साखी है इंसान की इंसान की इंसान मुकम्मल तब होता है जब उसकी क्या हो औलाद हो जिसके पास औलाद नहीं है वो किसी मजलस में बैठा हो और उस मदरस में लोग अपने अपने बच्चे के साथ मसरूफ हों अपने अपने बच्चे के बारे में बातें कर रहे हों अपने अपने बच्चे की तस्वीरें देख रहे हों अपने अपने बच्चों के वाक्यात सुना रहे हों जिसकी औलाद नहीं होती वो सर झुका के शर्मिंदा होके बैठा होता है लेकिन अल्लाह इज़्ज़त इन चीजों से पाक हैं अल्लाह कामलो मुकम्मल हैं अल्लाह किसी चीज से मुकम्मल नहीं होते अल्लाह तो दूसरों को कमाल बख्शने वाले हैं तो अल्लाह ताला इस ऐब से पाक हैं इस कमजोरी से पाक हैं कि अल्लाह ताला औलाद के मोहताज हों इसलिए फरमाया सुबह अल्लाह इस ऐब से क्या है पाक है बल्लहू माफी वाल अर्द पहले अल्लाह ने कहा कि औलाद का होना ओलाद का मोहताज होना ये कमजोरी है ऐब है अल्लाह इस ऐब से क्या है पाक है फिर कहा बलह बल्कि उसी क्या है लाम तमली का मना दे रही है मलकियत का मना बल्कि उसी की मलकियत है जो कुछ आसमानों ज़मीन में है तुम कहते हो उजैराम के बेटे ईसा अल्लाह के बेटे फिर अल्लाह की बेटियां ये सब अल्लाह के ममलूक हैं अल्लाह इन सब का मालक है तो जब अल्लाह हर चीज का मालक है अल्लाह को औलाद की क्या जरूरत है एक एक चीज क्या है अल्लाह की ममलूक है अल्लाह इनमें से हर हर एक चीज का मालक है तो फिर अल्लाह को औलाद की क्या जरूरत है? वैसे भी औलाद किसी किसी की ममलूक नहीं होती बेटा बाप की मलकियत नहीं होता वो तो उसका जानशीन होता है उसके बराबर में उसने आना होता है तो अल्लाह कह रहे हैं ये सब मेरे ममलूक हैं मेरी मलकियत में है मैं इनका मालिक हूं मेरी औलाद कैसे हुए अल्लाह ने कह बल्लहू माफिसमावाद उसी का उसी के हैं उसी के ममलूक हैं उसी के मलकियत में है जो आसमानो जमीन में है आसमानो जमीन में बहुत बड़ी मखलूक है इंसान भी हैं जिन भी हैं फरिश्ते भी हैं जानवर भी हैं परिंदे भी हैं दरख्त भी हैं पानी भी है मट्टी भी है पहाड़ भी हैं ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की क्या है मलकियत हैं लफज यहाँ पे क्या बोला गया माँ माँ का लफज साहेब अकल के लिए होता है या उसके लिए जो साहेब अकल ना हो जो साहेब अकल ना हो तो यहाँ पर उन चीज़ों को गालब किया गया जो साहब अकल नहीं है उन पर जो साहेब अकल हैं यानी कि लफत माँ का बोला गया जो हालांकि इसमें इंसान भी शामिल हैं दाखिल हैं जिन भी दाखिल हैं फरिश्ते भी दाखिल हैं लेकिन दीगर जो चीज़ें जो हैं पहाड़ पानी वगैरह वो सहेब अकल नहीं है तो अल्लाह ने लफ्त यहाँ पे इस्तेमाल किया माँ वाला जो किसके लिए होता है उनके लिए जिनके पास अकल नहीं है तो इसका मतलब यह कि यहाँ पे अल्लाह ने उनको गालब रखा जो अकल वाले नहीं हैं आगे क्या कहाकुल्लू कानितून <qanitun'> ये सब के सब उसके फरमा बरदार हैं अब लफ्ज क्या आया कानितून और ये किसके लिए होता है साहेब अकल के लिए यहां पर आके अल्लाह ने साहेब अकल को गलबा दिया है उनका ख्याल रखा है तो फरमायाकुल्लहु कौनून ये सारे के सारे अल्लाह तला के फरमा बरदार हैं अल्लाह के सामने झुके हुए हैं कौन सारे के सारे जो भी आसमानो जमीन में मखलूकत हैं सब के सब अल्लाह के फर्मा बरदार और अल्लाह तला के सामने झुके हुए हैं तो क्या वाकई काफर अल्लाह तला के फरमा बरदार हैं इंसानों में से अक्सर अल्लाह के फरमा बरदार हैं या अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं तो कहाकुल्लहु खान तुन सबके सब मेरे फरमा बरदार हैं अल्लाह आपको जजाय खैर दें जवाब बिल्कुल ठीक है अल्लाह तला के लिए कलूत दो तरह का है एक शरी कलूत एक कौनी कलूत एक है अल्लाह तला के उन अहकाम के सामने झुक जाना उनको मान लेना जो शरी अहकाम है नमाज पढ़ो शरी हुक्म है रोजा रखो शरी हुक्म है कुछ इंसान मानते हैं कुछ नहीं मानते और कुछ अल्लाह के अहकाम होते हैं कौनी जिनका शरीय से तल्लक नहीं होता एक इंसान से कहना तू बीमार हो जा दूसरे से तू फौत हो जा तीसरे से तुझे आग लग जाए जिसके बारे में अल्लाह कहते तू बीमार हो जा क्या उसकी जरूरत है कि वह आगे से कहे मैं बीमार नहीं होना तो अल्लाह के जो कौनी अहकाम हैं उनमें सब के सब अल्लाह की इतात करने वाले अल्लाह के सामने झुके हुए कोई भी अल्लाह के सामने पार नहीं मार सकता जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि फौत हो जा वो उसी वक्त फौत होता है उसकी जरूरत नहीं कि एक सेकंड या एक मिनट लेट हो जाए और जिसके बारे में अल्लाह ने लिखा है कि इस टाइम उसने फलास याद में पहुंचना है वो उसी टाइम पहुंचेगा उसकी जरूरत नहीं कि एक सेकंड भी लेट हो तो अल्लाह के वो आर्डर्स वो अहकाम जो कौनी है जिनका ताल्लुक का से है उसके लिहाज से सब के सब अल्लाह के ताबे हैं अल्लाह के सामने झुके हुए हैं लेकिन जो अल्लाह के शरी अकाम है उनमें भी उनमें इंसान और जिन इनको इख्तियार दिया गया है इनको इरादा दिया गया है इनको बता दिया गया इनको बता दिया गया है कि अल्लाह के ये अहम शरी मानोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी तुम्हें इज्जत मिलेगी और अगर नहीं मानोगे तुम्हें सजा मिलेगी जहन्नम की आग में दाखिल किया जाएगा और यहां पे इंसान को इरादा दिया गया और क्या दिया गया इख्तियार दिया गया मान ले तो अच्छी बात है ना माने तो अल्लाह ने मोहलत दी है और अल्लाह ने यहां पर भी इंसान के साथ एहसान किया नेकी की फजल फरमाया रहमत की आपने रसूल भेजे आसमान से किताबें नाजल कं इंसान को कायल करने के लिए कि अल्लाह के, के शरीकाम भी मान लो जैसे कौन ही हकाम मानते हो शरीकाम भी मान लो तुम्हारे लिए खैर इसी में है वरना पुछताओगे वरना तुम्हें अजाब अजीम का सामना करना पड़ेगा तो बरअलकुल्लू कानतून सब के सब अल्ला के अहकाम के सामने क्या है झुके हुए हैं उन्हें मानने वाले हैं और उसकी इस मामले में इताद करने वाले हैं उसके बाद आयत नंबर एक सौ सत्रह अल्लाह तरमाते हैं बदीमावादा कजा अमरंगलकु फ़कून वो आसमानों और ज़मीन को असर नो पैदा करने वाला बगैर किसी नमूने के पैदा करने वाला वहीदा कदा अमरन जब किसी मामले का फैसला कर लेता है तो सवाए इसके नहीं वो उससे कहता है हो जा फून तो वो हो जाता है तो बदी बदी फाइल के वजन पे है मुफइल के माना में मुद्दे के माना में यानी कि जो किसी की चीज का मूजिद हो और उसको इजाद किया हो पैदा किया हो बगैर किसी नमूने के पहले कोई उसके सामने मॉडल ना हो जिसको देख के किसी चीज को बनाया हो तो अल्लाह ताला ने जिन चीजों को बनाया है बगैर किसी मॉडल के नमूने के सांचे के असर नो पैदा किया है ऐसा नहीं है कि अल्लाह से पहले को और खाल हो जिसको देख कर अल्लाह ने नकल उतारी हो नहीं बदी उसमात आसमानों को बनाया बगैर किसी मॉडल के बगैर किसी नमूने के और ऐसा भी नहीं है कि आसमानों और जमीन को बनाते हुए किसी और की पैदा करदा चीज से कोई मदद लियो इंसान कहता है मैं मोबाइल का मौजूद हूं यह इंसान टेलीफोन का मौजूद है यह टेलीविजन का मौजूद है यह पंखे का मौजूद है इसने फलां चीज याजाद की है इसने फलां चीज बनाई है ये फलां चीज का खालक है पूछा जाए जी क्या बनाया जी मोबाइल मोबाइल किससे बनाया जी अदम से नहीं मोबाइल में जो भी चीजें इस्तेमाल की हैं वो अल्लाह की पैदा कर दल्ला क्या है बदी उस समा की वर्द असरे नौ आसमानो जमीन को बनाने वाला वजा अमरन और जब अल्लाह किसी मामले का अमर का माना क्या मामला उमूर इसकी जमा है यहां आर्डर के माने में नहीं है जो आर्डर होता है उसकी जमा क्या होती है वामिर अमर है जिसकी जमा क्या उमूर जब अल्लाह तला किसी मामले का फैसला करते हैं फमा यकूल सवायस के नहीं उससे कहते हैं किससे उस मामले से कुन हो जा फुन तो वो यह है अल्लाह का कौनी हुक्म किसी की मजाल है कि आगे से इनकार कर दे कुल लहू खानतून सब के सब उसके फरमाबरदार हैं जब सूरत हाल ये है तो अल्लाह को औलाद की क्या जरूरत है और फिर अल्लाह ने कहा कि सब के सब मेरे सामने झुके हुए मेरे अहकाम के पाबंद इसमें पैगाम है कि बेटा तो कई दफा बाप का सरकश होता है बाप का तख्ता उड़ता है अल्लाह तला के यहां ऐसी सूरत हाल नहीं अल्लाह की कोई औलाद नहीं कोई सरकशी करने वाला नहीं सब अल्लाह के ताबे सब अल्लाह के कौनी अहकाम के पाबंद अल्लाह तला कन कहते हैं जो चाहते हैं वो वजूद में आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला औलाद की तरफ अल्लाह ताला औलाद क्यों ले? जब जो मखलूक अल्लाह को जिस मखलूक़ के पैदा करने का अल्लाह इरादा कर लें उसमें अल्लाह ने कुन कहना होता है तो वो वजूद में आ जाती है तो अल्लाह ताला किसी का वालद क्यों बने अल्लाह किसी को औलाद क्यों बनाएं तो अल्लाह ताली इन अयूब से और इन कमज़ोरीों से पाक है और इन तमाम लोगों के अक़ायद ग़लत हैं अल्लाह रब्ल से दुआ है कि अल्लाह हमें तमेंिन हकीम सही मानों में सबने की तौफीक नियात फरमाए और अपने अक़ायद कुरान हदीस के मुताबिक बनाने की तौफीक बख्शे व आखिर अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन